ये ऊपर से, तो ये चार पांच चीजें, पांच हो गई, अदरक, धनिया, पुदीना, हरा प्याज और नींबू। स्पेशल इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले, जो लोग यहाँ पे अभी ये रेसिपी देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग कर चुके हैं वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सारी रेसिपियाँ और जो भी वीडियोस आएंगी वो आप लोग देख सको। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने घर में बहुत खुश होंगे। आज मैं ना बस अकेले थे अभी, तो कहीं बाहर जाने का फ़िलहाल दिल नहीं कर रहा था, वरना मौसम तो बहुत अच्छा है। आज सारा दिन की अगर आपने मेरे शूट्स देखे हों, मैंने इससे आगे मैंने अपलोड किया है, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। तो आखिर में आके अभी 6 बज रहे थे, 6:30 हो रहे हैं शायद यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि ना आज चलो अच्छी सी ना बिल्कुल एक मसाले वाली जो है ना निहारी बना लेती हूँ, फटाफट। आपको पता है मेरी सारी रेसिपीज बहुत ही फटाफट होती हैं, तो उसके लिए मैंने लिए किया क्या है, ये प्याज मैंने 2 ले लिए हैं। प्याज इसमें ज़रा 2 डालेंगे और ब्राउन करके हम निकाल लेंगे ना तो अच्छा होता है। प्याज ले लिया है, तेल इस टाइम पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि प्याज फ्राई हो जाएगी ना, तो हम ये तेल निकाल देंगे जो ज़्यादा होगा, तो सिर्फ बस वो प्याज भूनने के लिए, अच्छे से गोल्ड ब्राउन करने के लिए मैंने ये डाला है। ठीक है, और इसके बाद सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं आज मेरे पास, चिकन है, टमाटर भी अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो मत डालें, कोई मसला नहीं है। मेरे पास एक पड़ा हुआ था, मैंने कहा ख़राब वराब नहीं हो जाए तो चलो डाल देती हूँ। और ये लहसुन अदरक खूब डालिए, लहसुन अदरक, अदरक तो मैं बहुत ही पसंद करती हूँ तो मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। और ये मेरे पास थोड़ा सा दही भी पड़ा हुआ था, इसमें तकरीबन मेरे ख्याल 2-2.5 चम्मच दही होंगे, तो ये भी मैं डाल रही हूँ। ठीक है, और इसके अलावा सिर्फ एक मसाला, और वो सिर्फ एक मसाला क्या है, दिल्ली निहारी नेशनल वाली। आज तो मैं नेशनल की यूज़ कर रही हूँ, लेकिन सून मुझे लगता है कि मुझे ना कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मसाले आ जाएंगे, तो ना मैं इतनी ज़्यादा तो रेसिपी बनाती हूँ, कोई फ्री में मसाले भेजो भेजो मुझे भी भेजो, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि आज ना ये, वैसे तो मैं मजाक कर रही हूँ, ये दिल्ली निहारी ये वाला मसाला मुझे इसलिए पसंद है कि ये ना थोड़ा सा वो ज़्यादा वो नहीं है, स्पाइसी नहीं है, तो मैं तो कम स्पाइसी खाती हूँ ना, इसलिए। तो हम इसमें से ये पूरा डब्बा नहीं डालना है, मैंने ये 3 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं, मेरे के चिकन ब्रेस्ट 3 मैंने लिए हैं, और उसको मैंने ऐसे बड़ा बड़ा ही क्यूब्स में काट लिया है, क्योंकि निहारी में बड़े बड़े चंक्स होते हैं गोश्त के, तो वो अच्छे लगते हैं। बीफ की निहारी में नहीं बना रही, मेरा यही तरीका है बनाने का, तो मैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे ये निहारी बनाने का सही तरीका नहीं है, लेकिन सही और गलत को मैं नहीं देखती, मैं ये देखती हूँ कि मेरे बच्चों को ये पसंद है, बच्चों को पसंद है तो बस बना लेती हूँ, है ना। चिकन, बोनलेस चिकन भी इसीलिए यूज़ कर रही हूँ कि बच्चों को पसंद है, अगर आप लोगों को होल चिकन यूज़ करना है बोन के साथ वाला तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं होगा। और ये जो है मैं तकरीबन सिर्फ 1.5 से 2 खाने के चम्मच डालूंगी, सारा नहीं डालूंगी। हाँ जी, चलो मैंने कहा चलो कुछ बातें भी हो जाएं साथ में ना, जब तक प्याज ब्राउन हो रही है। तो आज मैं सोचा बस घर में ऐसे ही काम किया, सुबह को काम पे चली गई थी, फिर उसके बाद वापस आई हूँ, और फिर यहाँ पे घर में थोड़ा आ गई, फिर थोड़ा सा मसाज लेने चली गई थी, और उसके बाद मैं क्या किया, हाँ काम, पहले ऑफिस गई हूँ, ऑफिस से वापस आई हूँ, तो थोड़ा सा घर का काम किया, साफ़ सफाई करी थी, घर की बातें वो तो करनी होती है ना इंसान की। और फिर उसके बाद मैं अपना घर की बातें खुद के लिए भी टाइम निकाला, तो तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए वहाँ गई थी थोड़ा सा। मेरा सर्जरी के बाद में, आपको पता है मैं रेगुलर मसाज लेती हूँ, तकरीबन 15 दिन में एक दफ़ा तो बॉडी मसाज लेना चाहिए, वैसे भी लेना चाहिए, इंसान थक जाता है इतना ज़्यादा काम करता है तो, और 50 के बाद तो मेरे हिसाब से बोनस चल रहा होता है, तो इसलिए अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए, सही है। उसके बाद अब मैं आई थी, तो मैंने सोचा अब बाहर जाने का तो टाइम नहीं है, वैसे तो खैर सिर्फ 6 बजे हैं और वीकेंड है तो बाहर भी जा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज खाने वाने का सिलसिला जो है ना सब कुछ काम कर लिया जाए,
फिर कल का संडे वाला दिन फ्री रखूंगी और फिर मैं घूमने फिरने के लिए निकलूंगी। ऐसे आज मुझे जाना था एक जगह लेकिन नहीं जा सकी, देर हो गई। और हो सकता है थोड़ी देर में अपने CVU पे जाऊं जो मेरे घर के पास का मंदिर है। ठीक है, तो जी बस ये झटपट वाली हम बना रहे हैं। इसमें मैंने आपको ना रेसिपी जो है बनाती तो मैं रहूंगी साथ साथ में, लेकिन आपको वैसे ही बता देती हूँ कि ना प्याज ब्राउन करूंगी, उसके बाद उसको निकाल लूंगी। जो बाकी का तेल है उसमें से तेल जितना मुझे चाहिए, जितना मैं खाने में इस्तेमाल करना चाहती हूँ उतना मैं रखूंगी। उसके अंदर डालूंगी लहसुन अदरक। लहसुन अदरक डालने के बाद उसमें हल्का सा, ज़रा सा, जब लहसुन अदरक हल्का सा गोल्डन गोल्डन जैसा हो जाएगा ना, तो फिर उसमें डाल दूँगी चिकन। और फिर चिकन को अच्छे से भूनूंगी कि वो पिंक से थोड़ा थोड़ा सा लाइट लाइट सुनहरी सुनहरी गोल्डन गोल्डन हो जाए। वो भी जब वो भी गोल्डन गोल्डन हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो मसाला था ना ये डाल देंगे, और साथ में जो एक टमाटर मेरे पास पड़ा था वो डाल दूंगी, और दही को अच्छे से फेंट के डाल दूंगी। फिर क्या करूंगी, उसको अच्छे से भूनूंगी। जब वो ऑयल थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, इसी टाइम पे आप प्याज भी वापस उसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, जब आपका चिकन भून जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा गोल्डन गोल्डन कलर में, तब उसमें आपने क्या डालना है, मसाला, टमाटर, दही और जो प्याज ब्राउन करके बाहर निकाला था वो। मगर प्याज ब्राउन जो है वो सारा मत डाल देना, ठीक है, सारा मत डाल देना, इतना सा रख लेना, इतना सा रख लेना ऊपर गार्निशिंग के लिए, क्योंकि निहारी के कितने 1, 2, 3, 4, 5 गार्निश होते हैं निहारी के। कौन से 5 गार्निशिंग होती हैं? एक होता है नींबू, एक होता है अदरक, एक होता है हरा धनिया, हरा पुदीना, और उसके अलावा ये जो प्याज होती है ना, ये हो गई, हो गई, हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके 5 गार्निशिंग है। ठीक है, 5 गार्निशिंग करने के बाद जब आप प्लेट सर्व करेंगे ना, तो खाने वाले को नहीं भी भूख होगी तो भी वो खाना खा लेगा, इतना अच्छा बनता है। और ये मत सोचो करो ये मेरे पास वो नहीं है तो मसाला वो नहीं है तो मेरा खाना नहीं बनेगा, खाना बन जाता है, खाना सिर्फ नमक डाल के भी बन जाता है। ठीक है, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। अभी मैं बहुत ज़्यादा बोली, अभी मैं ज़रा रेस्ट करती हूँ और आपको रेसिपी दिखाती हूँ दोबारा से। ये देखिए जी, हमारे प्याज इस टाइम पे ऐसे उड़ रहे हैं, लेकिन मुझे इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। और चूल्हा जो है वो मैंने मीडियम पे ही रखा हुआ है, क्योंकि मीडियम पे रखो ना तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाती है प्याज। वैसे तो आजकल रेडीमेड प्याज भी आती है ब्राउन की हुई, मगर मुझे करनी पसंद है खुद से, इसलिए मैं करती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये भी देखिए मैंने ना प्याज निकाल लिए हैं। प्याज मेरे बहुत अच्छे से ना गोल्डन गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। देखिए अभी ये बाहर रखूँगी ना तो ये जैसे बहुत ज़्यादा क्रंची भी हो जाएगी ना, तो जैसे ही मैं सालन में दोबारा डालूँगी ना तो वो एकदम से घुल भी जाएगी। इतना ज़्यादा मुझे ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना पीसना तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और फिर मैंने उसी, देखे मैंने ये ऑयल जो है निकाल लिया, इतना ज़्यादा भी मैंने नहीं डाला था वैसे। और ये अभी मैं इसके अंदर मैंने डाल दिया लहसुन अदरक। लहसुन अदरक भी मैं पेस्ट नहीं इस्तेमाल करती हूँ, मैं थोड़ा सा जो है ना खड़ा खड़ा होता है, ये देखो ऐसे खड़ा खड़ा है मेरा लहसुन अदरक, वो मैं वैसा इस्तेमाल करती हूँ। वैसे मैं, मुझे लगता है कि बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ठीक है, अब ये हल्का हल्का सा जैसे गोल्डन गोल्डन होने लगा है ना, तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर डाल दूंगी चिकन। और चिकन डालने के बाद जैसे मैंने पहले बताया था कि उसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से उसको भूनूंगी। गोश्त पानी बिल्कुल नहीं डाला है। मैंने चिकन डाल दिया है, अभी मैं इसको अच्छे से हिला लूंगी। ठीक है, देखिए अभी चिकन का कलर बदली हो रहा है ना, अभी ये वाइट हो जाएगी, फिर वाइट के बाद थोड़ी थोड़ी सी पिंक, पिंक से वाइट, वाइट से फिर हो जाएगी गोल्डन गोल्डन ब्राउन। ठीक है, जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसमें से थोड़ा सा प्याज रख के बाकी सारा इसके अंदर डाल देंगे। और उसके अलावा ये मसाला, मसाला डाल देंगे जो मैंने दिखाया था आपको, और ये जो मेरे पास एक टमाटर पड़ा हुआ। ठीक है, ये डाल के बस को भूनना है। एक स्पेशल चीज़ होती है निहारी में करने की, वो मैं आपको बताऊंगी एंड में।
ओके, देखिए हमारी चिकन का रंग हो गया ना ब्राउन, ब्राउन सा गोल्डन ब्राउन हो गया ना। ठीक है, ये तकरीबन मैंने कितने मिनट भुना होगा, 15 से 20 मिनट भुना है इसको अच्छे से। और इसके अंदर अभी सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ लहसुन अदरक था और ऑयल था और चिकन डाल दिया था मैंने। ठीक है, अभी मैं इसमें डाल रही हूँ वापस से हमारा जो ये हमने प्याज रखा हुआ था, तो इसमें से तकरीबन मैं इतना डाल दूँगी वापस इसमें थोड़ा ना, ये मैंने थोड़ा सा जो है वो ऊपर गार्निश के लिए रख दिया, क्योंकि इतना बहुत मेरी बेटी बहुत दाल डाल के खाती है। ये हो गया। ठीक है, अब इसके साथ ही मैंने ये जो टमाटर और 2 चम्मच दही था ये भी डाल दिया, और इसके साथ में मेरा ये जो मसाला ये तकरीबन इसमें 2 चम्मच ही है, ये चला गया, ये आपको ज़्यादा लग रहा है लेकिन 2 चम्मच ही है। ठीक है, अब मैं इसको करने लगी हूँ मिक्स। ये कुछ मसाले सारे इसमें सब कुछ डालने के बाद कुछ इस तरह से है। आँच मैंने रखी हुई है लो, मीडियम पे है, और इसको मतलब अगर आपका बर्तन लगने वाला है तो ऑब्वियसली आप हल्का सा पानी का छींटा दे सकते हो, नहीं तो टमाटर और दही अपना पानी तो लगाएंगे ही लगाएंगे, तो वो हो जाएगा उसी में। मैंने कोई पानी नहीं डाला है। ऑयल ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये ऑयल बहुत काम का है, ये हम अभी निकाल लेंगे। जितना हमें ऊपर ऊपर नज़र आ रहा है ना, तो जितना हम निकाल सकते हैं हम निकाल लेंगे, इतना कि हमारी चिकन लगे भी नहीं और पक भी जाए। पानी डालने से पहले हम ये ऑयल निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखें मैंने इसका ऑयल जो ज़्यादा लग रहा था वो निकाल दिया है, और वो मैंने रख लिया है यहाँ। ठीक है, यहाँ रखेंगे ये तेल, और ये जो ऑयल है ये हमारा बिल्कुल लास्ट में काम आएगा। आपको अगर पता हो जब हम निहारी की दुकान पे जाते हैं जनरली वैसे होटलों वगैरह में, तो वो लोगों ने तरी जिसको बोलते हैं ना अलग रखी होती है, तो ये वो तरी के काम आएगी हमारे। ठीक है, अभी हम इसको जो है तकरीबन जितना आपको मतलब निहारी का ये है कि मैं तो थोड़ी सी मेरे बच्चे थोड़ी पतली पसंद करते हैं, तो मैं थोड़ी सी पतली बरकती हूँ, और आपको जितना आपके चिकन के हिसाब से कि चिकन गल जाए, तो मेरा चिकन तो ऑलमोस्ट गल ही चुका है। मैं इसमें सिर्फ अभी डालूँगी 2 गिलास पानी, और उसको अच्छे से ना उबाल वगैरह आने दूंगी, पकने दूंगी तकरीबन 10-15 मिनट तक। जब अच्छे से 10-15 मिनट पक जाएगा उसके बाद मैं डालने वाली हूँ सीक्रेट चीज़ जिससे निहारी का असली जायका आएगा। ओके जी, अभी देखिए मैंने इसमें तकरीबन जो है 4 गिलास पानी मैंने डाला है। ठीक है, क्योंकि जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मैं डालूँगी उससे ये पानी वैसे भी कम हो जाएगा तो वो सोख लेगा। ठीक है, स्पेशल इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले जो लोग यहाँ पे अभी ये रेसिपी देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग कर चुके हैं वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सारी रेसिपियाँ और जो भी वीडियोस आएंगी वो आप लोग देख सको। ठीक है, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए कि ये बहुत पतला है वो है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप देखिएगा इसको। और इसको हम अभी पकने देते हैं, ढक्कन थोड़ा सा ढक देती हूँ मैं, थोड़ा सा छोड़ दिया मैंने, तो ये इसमें पकेगा तकरीबन 10 से 15 मिनट। ठीक है, 10 से 15 मिनट के बाद हम आते हैं। ये हमारा पक रहा है यहाँ पर, थोड़ी सी प्याज हमने रख ली है, और जहाँ एक बात मैं बताना भूल गई, जब पानी डाला है वो मैंने, वो कोशिश करें अगर आपके पास थोड़ा गर्म पानी है तो गर्म पानी डालें, क्योंकि वो ठंडा पानी डालेंगे तो फिर उसका हांडी का टेम्परेचर फिर वो हो जाता है ना, डिफरेंट हो जाता है। तो जो कोशिश करो कि वार्म वाटर डाल लो, या बॉयल वाटर अगर है, जैसे मेरे पास तो तन तन इसमें था तो मैंने इसमें से फटाफट लेके डाल लिया। सही है जी, तो ये हो गया। और जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करी थी वो है ये। अब ये क्या है, ये सिंपल गंदम का आटा, सिंपल जो हमारा रोटी बनाने वाला आटा है वो है। इसको हम मैंने सिर्फ फ्राई पैन में, बस खाली फ्राई पैन में इसको डाल के हल्का सा इधर उधर थोड़ा सा फ्राई कर लिया, हल्का सा ये मतलब इसका कच्चापना जो है ख़त्म हो जाए, और फिर मैं इसको जो है ना जैसे हम लई बनाते हैं ना, इसकी लई की तरह पतला पतला सा थोड़ा लई की तरह इसको मैं पानी डाल के और घोल लूँगी। इसको कोई लोग डायरेक्ट भी डालते हैं लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं डालती, डायरेक्ट डालने से ना वो गुठलियाँ बन जाने का खतरा होता है, तो इसलिए मैं पहले इसको इसमें पानी डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी पतला,
और फिर वो धीरे धीरे डालूंगी। कैसे डालूंगी वो भी आपको बताती हूँ। ये देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन मेरा जो है अच्छे से वो गल चुका है। आई थिंक गल चुका है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि चिकन नहीं गला है तो कोई बात नहीं, 5 मिनट हम और पका लेते हैं। ओके जी, इस टाइम पे देखिए हमारा चिकन जो है ना वो बिल्कुल गल चुका है, और ये मैंने आटे का पेस्ट भी बना लिया था, मैंने इसमें बना लिया था ताकि ना डालने के लिए फिर वो ईजी रहेगा मुझे, थोड़ा थोड़ा डालती रहूँगी ना, ठीक है। अब ये देखें ऐसे हमने इसके ऐसे डालना है, सारा एक साथ नहीं डालना है और फिर चलाना है, ठीक है। आई होप नज़र आ रहा हो, मेरे पास स्टैंड नहीं होता है ना यार, स्टैंड नहीं होता तो मैं मोबाइल उस पर रख नहीं पाती, बस लेज़ी बंदा क्या करे, तो शौकिया वीडियो बना रही हूँ तो बस ये डाला और फिर इसको अच्छे से चलाया, ठीक है, मीडियम हाई। ये हम आटा है तो ये अभी थोड़ा थोड़ा पकेगा तो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा हो जाएगा ना तो वो भी फिर अच्छा नहीं होता है। अभी हम इसमें और फिलहाल नहीं डाल रहे, इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे, तकरीबन 5 मिनट तक ढक के ना, ये मैंने रखा हुआ है। इसको असल में फेंकना नहीं है क्योंकि इससे आप जो है इसको जैसे इलायची ब्राउन करो, इलायची ब्राउन करने के इलायची को थोड़ा सा कड़कड़ा के ना घी में या तेल में, और फिर उसमें ये डाल दो और इसको भूनो अच्छे से, जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं ना इसी तरह इसको भून भून के और इसमें चीनी डाल देंगे तो ये बहुत अच्छा हलवा बन जाता है, तो फेंकने की ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़। ओके जी, अभी मैं अगर आपको दिखा सकूं, मुझे जितनी गाढ़ी चाहिए थी ना मेरे हिसाब से मेरी तो निहारी हो गई है, क्योंकि अभी ये सूखने मतलब ठंडे होने के बाद भी और ज़्यादा जो है गाढ़ी हो जाएगी ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, बस इतनी चाहिए, क्योंकि फिर वो नान हो या रोटी हो या कोई बच्चे चावल के साथ भी बहुत पसंद करते हैं तो अच्छी लगती है फिर ये। और अगर गाढ़ी करनी भी हो तो हम दोबारा से गर्म कर देंगे और थोड़ी देर पका लेंगे तो हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, एंड पे आखिर में ये मैंने जो तरी निकाली थी वो तरी डाल दी हमने वापस, आ रहा है ना निहारी वाला कलर, देखा ना मैं कह रही थी ना कि बिल्कुल हमारी जो जैसे बाहर निहारी मिलती है वैसी ही निहारी बन जाएगी, कोई डरने की बात नहीं है। और निहारी के चार दोस्त तो ये रहे, ब्राउन प्याज, ये पुदीना और ये अदरक और ये नींबू, हरी मिर्चें, हरा धनिया और हरा प्याज। अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, वो आप चॉप चॉप करके और इस तरह प्लेट में रख लें, जिसको जितना डालना हो वो उतना डाल लेगा। मेरे पास तो ये पुदीना बहुत ही पिच्चू सा रह गया था, छोटू छोटू सा बेचारा, तो मैंने वही, ये मेरे ना किचन का ही धनिया है, देखो मैं धनी पुदीने की हालत मेरे क्या हो गई है, जल गया पता नहीं क्यों, है ना, कुछ हेल्प कर देना इसके लिए दोबारा ग्रो हो जाए। देखो कितने छोटे छोटे से पत्ते हैं और मेरी बेटी के घर में इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, मेरे देखो कितने छोटे छोटे से हो गए। ओके जी, अभी हमें इसमें क्या करूँगी, एंड में चूल्हा मैंने कर दिया ये बंद, और अभी मैं इसमें सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा, इसमें ये प्याज डाला, ठीक है, बाकी का वो ऊपर से खाने के लिए होता है ना डालने के लिए, और थोड़ा सा अदरक, जो तरी है वो भी हम चूल्हा बंद करेंगे ना तो वो सारी ऊपर आ जाएगी, और नींबू मैं इसमें नहीं डाल रही नींबू, क्योंकि फिर साड़ी वो अगर रखूँगी फ्रिज में दो दिन दिन तक तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए ये जो खाएगा वही डाल लेगा। और ये मेरे घर का हो गया पुदीना, पुदीने से बहुत अच्छी खुशबू आती है भले वो छोटा छोटा सा लेकिन खुशबू बहुत अच्छी है। तो ये हमारी आज की बन गई है निहारी, मेरे स्टाइल की निहारी रेसिपी, ठीक है जी। अब आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना, पकाया ना ज़रूर क्योंकि बहुत आसान है, ठीक है। मैं एक दफ़ा लिख के आखिरी स्लाइड में मैं लिख के भी सारा डाल दूँगी तो बहुत आसान हो जाएगा। ओके जी,
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, चलती हूँ, दुआ में याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और जब भी ये वाली मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करें तो ज़रूर आके कमेंट्स लिख दिया करें। थैंक यू सो मच, बहुत अपना ख्याल रखिए, हो सके तो किसी के साथ कुछ अच्छाई किया करें, रोज़ की एक अच्छाई बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक स्माइल ही क्यों नहीं हो। ठीक है, तो खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।